के साथ जसप्रीत कौर। राजधानी दिल्ली के सीमापुरी सर्किल में तैनात एक ट्रैफिक कांस्टेबल का वीडियो वायरल हो गया, जिसमें कपिल नाम के इस कांस्टेबल ने अपने ही विभाग के अधिकारियों पर प्रताड़ना का आरोप लगा दिया और बताया कि कैसे ड्यूटी पर मौजूद रहने के बावजूद विभाग के दूसरे कर्मचारियों ने रजिस्टर में उसकी गैर हाजिरी लगा दी। और ऑफिस में खड़ा हूँ सर, और यहाँ रोजनाम सा मेरे सामने चल रहा है, मेरे सामने एब्सेंट लग रहा है। इस बीच कपिल ने रोते हुए उन सभी कर्मचारियों का नाम लिया जिन्होंने रजिस्टर में उसकी एब्सेंट लगाई। परविंदर है, मुंशी का नाम अजय सोलंकी, और एक लीडर एसीपी थे जिन्होंने मेरी एब्सेंट लगाई। इतना ही नहीं, वीडियो में ये भी दिखाई दिया कि कैसे ट्रैफिक पुलिस से जुड़े कर्मचारी बिना वर्दी के ही ड्यूटी पर तैनात हैं। अपनी पूरी बदमाशी दिखाओ इसमें, विदाउट ड्रेस पहन के और दूसरों की एब्सेंट लगा के। जबकि एक मौका ऐसा भी आया जब ट्रैफिक विभाग का कर्मचारी कपिल को धमकी देता दिखाई दिया। वहीं इस बारे में जब सीमापुरी सर्किल स्टाफ से जवाब मांगा गया तो उन्होंने कांस्टेबल कपिल पर ही गंभीर आरोप लगा दिए। उत्तर प्रदेश में करीब 5 महीने पहले बना समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन टूट गया। गठबंधन तोड़ने के पीछे मायावती ने यह दलील दी कि समाजवादी पार्टी यादव समुदाय के वोटरों पर अपनी पकड़ खो चुकी है, जिसका नुकसान चुनाव में उसने तो उठाया ही, बीएसपी की उम्मीदों पर भी पानी फिर गया। मायावती ने समाजवादी पार्टी को ताना भी मार दिया कि यादव वोट बैंक बचा कहां है। इस चुनाव में सपा का बेस वोट अपने यादव बाहुल्य सीटों पर भी सपा के साथ पूरी मजबूती के साथ टिका हुआ नहीं रह सका है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने 144 दिन पहले बने गठबंधन को तोड़ने का ऐलान कर दिया। उन्होंने साफ कर दिया कि यूपी के उपचुनाव में हाथी साइकिल की सवारी नहीं करेगा। अब हमने उत्तर प्रदेश में यहाँ कुछ सीटों पर होने वाले उपचुनावों में फिलहाल अकेले ही ये चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। चुनाव में हार के बाद अखिलेश यादव भी इस झटके के लिए तैयार दिखे। उन्होंने बिना देरी किए ऐलान कर दिया कि वो भी विधानसभा उपचुनाव अकेले लड़ने के लिए तैयार हैं। जब गठबंधन के चुनाव में है ही नहीं उपचुनाव में, तो हम अपनी समाजवादी पार्टी की तैयारी करेंगे। और गठबंधन टूटने के साथ ही एसपी बीएसपी का वो भ्रम भी टूट गया जिसके दम पर मायावती पीएम बनने का सपना देख रही। इसी सपने को पूरा करने के लिए मायावती ने गेस्ट हाउस कांड की कड़वाहट तक बुला दी थी और मुलायम सिंह यादव के साथ मंच साझा करने से भी नहीं हिचकी। गेस्ट हाउस कांड के होने के बावजूद भी यहाँ उत्तर प्रदेश में बीएसपी व सपा गठबंधन करके ये लोकसभा का आम चुनाव लड़ रहे हैं। मायावती ने तो गेस्ट हाउस कांड के लिए समाजवादी पार्टी को माफ कर दिया, लेकिन जब डिंपल यादव ने मंच पर मायावती के पैर छुए तभी शिवपाल यादव ने भविष्यवाणी कर दी थी कि यादव समुदाय उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। अब ऐसे दिन समाजवादी पार्टी के आ गए हैं, बहुजन समाज पार्टी से उन्हें सीखना पड़ेगा। और देखिए समाजवादी पार्टी ने पूरे के पूरे घुटने सीख लिए। और हुआ भी यही, एसपी बीएसपी गठबंधन का गणित ही नहीं, अपने ही गढ़ में मुलायम परिवार की वोटरों से केमिस्ट्री भी फेल हो गई। डिंपल यादव, बदायूं में श्री धर्मेंद्र यादव व फिरोजाबाद में श्री राम गोपाल यादव के बेटे का भी हार जाना तो ऐसा है जो अब हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। हालांकि मायावती जब मुलायम परिवार के लिए वोट मांग रही थीं, तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका नतीजा और एसपी बीएसपी के गठबंधन का भविष्य बता दिया था। एनडीए के हाथों पराजय मिलने के बाद सपा बसपा के नेता भी अपने कार्यकर्ताओं को फिर से कहने जा रहे हैं कि आप भी एक दूसरे के